हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लाया दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ों के आइटम के होलसेल रेट बताने की कोशिश करूंगा, जो किराना दुकानदार सभी दुकानों पर ज़्यादातर जनरल आइटम के रूप में आपको मिलते हैं, और इन पर कितना प्रॉफिट होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों, कितना प्रॉफिट होता है इनको बेचने पर और ये कितने रुपये का आता है होलसेल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। मैं किराना स्टोर में जनरल स्टोर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। बात करें दोस्तों सेंटर फ्रेश, जैसे चिंगन आती है आपने खाई भी होगी, ये सभी दुकानों पर बिकती है, छोटी से बड़ी दुकानों पर बिकती है और काफ़ी तेज़ी से बिकने वाला प्रोडक्ट है। बात करें दोस्तों इसके अंदर पीस के अंदर 225 पीस निकलते हैं, इसकी एमआरपी भी 225 है और इसका होलसेल प्राइस 295 रुपये का एक डिब्बा आता है, जिस पर 30 रुपये का प्रॉफिट होता है। बात करें दोस्तों डेयरी मिल्क चॉकलेट की, ये कैडबरी का प्रोडक्ट है जैसा कि आप जानते हो, 10 रुपये बिक्री की होती है और इसको मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा कैसे निकलती है। और 56 यूनिट्स निकलते हैं, यानी 56 चॉकलेट निकलती है, यानी 560 रुपये का माल निकलता है इस डिब्बे के अंदर। बात करें इसके होलसेल प्राइस की तो दोस्तों ये 500 रुपये का डब्बा आता है और पूरा डब्बा बेचने पर 60 रुपये का प्रॉफिट होता है एक रिटेलर दुकानदार को, 10-10 रुपये की इसको बेचने पर। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और हर दुकान में बोलती है, आप देखोगे इसके कई सारे साइज आते हैं, 10, 20, 50, 100, 80 सभी तरह के इसके साइज आते हैं और काफ़ी तेज़ी से बिकता है ये, हर दुकान पे बिकता है, किराना स्टोर हो, जनरल स्टोर हो या बड़ी दुकान हो, उस हिसाब से बिकती है। बात करें दोस्तों ये 1 रुपये का लॉलीपॉप आता है और ये रूबी कंपनी का प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो इसके अंदर 150 पीस निकलते हैं दोस्तों लॉलीपॉप के, 150 पीस निकलते हैं दोस्तों। इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन है और ये मात्र 80 रुपये का पड़ता है एक दुकानदार को और 150 पीस यानी 70 रुपये का प्रॉफिट होता है पूरा बेचने पर एक रिटेल दुकानदार को 1 रुपये का। बात करें कॉलगेट टूथपेस्ट की दोस्तों, ये 20 रुपये एमआरपी का पूरा बंडल, इसमें 12 पीस आते हैं यानी 240 रुपये का माल आता है और होलसेल में एक रिटेलर दुकानदार को 210 रुपये का पड़ता है दोस्तों, जिसको बेचने पर 30 रुपये का प्रॉफिट होता है पूरा बेचने। बात करें दोस्तों ये जेम्स की गोली आती है जिसका नाम है मिनी चोको, आप देख सकते हो, और इसके अंदर 30 डिब्बियाँ निकलती है, 5 रुपये की बिक्री होती है यानी 150 रुपये का माल आता है। बात करें ये कितने का पड़ता है दोस्तों, 105 रुपये का एक डिब्बा पड़ता है और 150 रुपये का माल निकलता है, 45 रुपये प्रॉफिट होता है एक रिटेलर दुकानदार को, जो कि अच्छा खासा मुनाफा है। मैं आपको डिब्बी निकाल के दिखा देता हूँ, इस प्रकार की डिब्बी आती है, बच्चे बहुत ही खरीदते हैं इसको दुकानों पर। यदि आपको बात करें दोस्तों एक सर्दी का आइटम आता है, वैसे सर्दियाँ जाने वाली है लेकिन ये 12 महीने बिकती है, वैसलीन, आप जानते होंगे वैसलीन जेली होती है, 5 रुपये बिक्री की है। बात करें दोस्तों इसके अंदर पीस 48 निकलते हैं, 240 का माल निकलता है, ये भी 200 रुपये की आती है, 30 रुपये इसको प्रॉफिट होता है बेचने में, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है।